हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेस ब्यूटी हब। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्टीन लूज फेस शाइनर का रिव्यू, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसी लूज शाइनर को यूज़ करते हुए अपनी मैट बेस को ग्लोई और ड्यूई बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, क्रिस्टीन का ये लूज़ फेस शाइनर है और इस तरह की पैकिंग में होगा। ये उसके ऊपर ही इसका ब्रश दिया हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मून वाइट 401 नंबर है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, और एक सिर्फ इस एक प्रोडक्ट की वजह से आपकी जो बेस है वो मैट से ड्यूई में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा इसकी कितनी अमाउंट है इसके अंदर। इसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने लूज़ पाउडर के अंदर इसकी थोड़ी सी अमाउंट मिक्स करके आप रख लें, और जब पूरी बेस बन जाए उसके बाद आप इसको यूज़ करें। जैसे कि मैंने लूज़ पाउडर के अंदर इसको मिक्स करके रखा हुआ है, और अभी मैं आपको जो लूज़ पाउडर के अंदर मैंने इसको मिक्स करके रखा हुआ है उसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से जब आप अपनी बेस भी बना लेंगे उसके बाद भी ये इस तरीके से आपकी बेस में ग्लो करेगा। अभी मैं आपको अपनी स्किन कम्प्लेक्शन के हिसाब से, जैसे कि 45 मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर आपको ये यूज़ करके दिखाऊँगी। जब आप पूरी अपनी बेस बना लें उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, ये फाइनल टच होगा। और देखिएगा, आप इसके लगाते ही हमारी जो मैट बेस होगी वो कितनी ग्लॉसी और ग्लोई और ड्यूई बन जाएगी। और यही राज है जो आप पार्लर में अच्छी अच्छी बेस बनी देखते हैं कि जी हमारी बेस में वो ग्लो और वो शाइन नहीं आती, तो उसका यही राज है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी शाइन कर रही है, ठीक है, इतनी प्यारी बेस बनी है। इसी तरीके से आप भी बेस बना सकते हैं, और थोड़ा सा शिमर डालने से आपकी बेस कितनी प्यारी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक टोन फेयर बेस बना के उसके ऊपर इसी शिमर को यूज़ करके दिखाती हूँ। और क्रिस्टीन ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, अफोर्डेबल है, और इसकी प्रोडक्ट ईजीली आपको मार्केट से मिल जाती हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों बेसिस कितनी अच्छी लग रही हैं, और एक ही लूज़ पाउडर के अंदर मैंने इस शिमर को मिक्स किया है और दोनों तरह की बेसिस पे यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको बेस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस लूज़ शाइनर की प्राइस जो है वो 450 से 500 की रेंज में है, लेकिन कितने फ़ायदे हैं इस एक प्रोडक्ट की वजह से, आप कितनी प्यारी ग्लॉसी और शिमरी बेस तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कुछ भी अगर नया सीखने को मिला हो, कोई नई बात मालूम हुई हो, तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।